पुलवामा शहीदों की याद में जगह जगह हो रहा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, पूरे देश के साथ रहा रीवा में भी आक्रोश। पुलवामा में देश के 44 जवान बेवजह शहीद हो गए। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरे देश गुस्से में है। रीवा की जनता भी चाहती है इस कायराना हरकत का बदला पाकिस्तान से लिया जाए। इसी के चलते जगह जगह शहीद जवानों को हर व्यक्ति अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहा है। कभी मोमबत्ती जलाकर, कभी सड़क पर देशभक्ति के गीत गाकर, इस मसले पर सभी एकत्र होकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फिर चाहे वो वाजपेयी हो या फिर कांग्रेसी या फिर आम जनमानस। जो भारत माता के वीर सपूतों का कायराना हमले में निधन हुआ है, उनको शहीद किया गया है, हम सब आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पुलवामा में जो हमारे 44 शहीद जवान शहीद हुए हैं, इस देश के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ी हैं, उन गतिविधियों के खिलाफ हम लोग आज एक हो गए और शहीदों को नमन कर रहे हैं कि भारत सरकार जो निर्णय लेगा उससे हम लोग सब लोग एक हैं और एक आवाज देंगे, एक आवाज के साथ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुलवामा के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे। पुलवामा के वीर सपूत अमर रहे, अमर रहे। आधार वोट में बताओ, आधार नहीं आई है, दिखाई नहीं जा रहा है। भारत माता की जय। जो देश में एक आतंकवादी हमला हुआ है, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, वहाँ पे 44 जवान शहीद हुए हैं, तो उसी की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, कैंडल मार्च करेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश का जवान जो देश की रक्षा करता है आज वो सुरक्षित नहीं है इस देश में, और लगातार आतंकवादी घटनाएं घट रही थी। देश की भाजपा सरकार ने वादे किए थे बड़े बड़े कि हम पाकिस्तान में जाके और मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन उनके खोखले वादे की वजह से आज हमारे देश के जवान 44 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए हम लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं पाकिस्तान का, और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अब त्वरित कार्रवाई करें, जो करना हो पाकिस्तान से उसका बदला लिया जाए और तुरंत कार्रवाई की जाए।